दोस्तों मेरा नाम सत्यवीर कुमार है और आज हम लोग धमाकेदार वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो हम यहाँ बनाने वाले हैं, हमारे पास एक आयरन पॉट है। हम लोग उस आयरन पॉट को तीन प्रकार के बम से उड़ाएंगे, पहला बुलेट बम, दूसरा सुतली बम और तीसरा ग्रीन सुतली बम। हम लोग यही तीन प्रकार के बम से इस तगाड़ी को उड़ाएंगे और देखेंगे कि तगाड़ी तीनों बम में से सबसे ऊंचाई तक, मतलब इस तगाड़ी को कौन सा बम लेकर जाता है। तो दोस्तों यह आयरन पॉट है, यह लोहा का, शुद्ध लोहा का है, इसके हरियर यह छड़ है। यह आयरन पॉट 2 kg का है और हमारे पास तीन प्रकार का बम है। तो यह ग्रीन सुतली बम है, VIP बम इसे कहते हैं, और यह हाइड्रो अल्मोनियम सुतली बम है, और यह बुलेट बम है। तो हम लोग यही तीन प्रकार के बम से उड़ाएंगे। पास से एक बार दिखा दीजिए बम को। देखिए दोस्तों हम लोग यही तीन बम लिए हैं, हम लोग इसी तीन बम से इस आयरन पॉट को उड़ाएंगे। तो दोस्तों अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा वीडियो देखकर आप घर पर कोशिश ना करें, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसे सावधानी के साथ और अपने हैकर आदमी के साथ उड़ करते हैं। दोस्तों हम लोग इसका मैकेनिज्म फिट कर दिए हैं, हम लोग बुलेट बम इस पर फिट कर दिए हैं फ्यूज के माध्यम द्वारा। हम लोग वो भी बम बजाते हैं तो हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि कोई खतरा ना हो सके। एक बार पास से दिखा दीजिए कैमरामैन, देख लीजिए हम लोग इसका सेटअप बढ़िया से कर दिए हैं, बुलेट बम और फ्यूज और मैचिस बॉक्स। और जो यह आयरन पॉट है इसे हम लोग आराम से इसके ऊपर रख देंगे। अब हम लोग इसे बैटरी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यह आयरन पॉट कितना ऊंचाई तक जाता है। चलिए इसे हम लोग सावधानी के साथ पूर्ण करते हैं। दोस्तों आयरन पॉट कुछ ऊंचाई तक गया अपने, मतलब हिसाब से जो बुलेट बम है ना अपने हिसाब से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ाया, इसलिए यह आयरन पॉट 2 kg का है। और देखिए यहाँ पर बारूद इसका ब्लैक ब्लैक सा कर दिया है। अब हम लोग इस आयरन पॉट को हाइड्रो सुतली बम से उड़ाएंगे और देखेंगे कि यह कितना ऊंचाई तक जाता है। देख लीजिए हम लोग इसका सेटअप भी कर दिए हैं, अब इसे आराम से इसको ऊपर रख लेंगे। अब हम लोग बैटरी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यह आयरन पॉट कितना ऊंचाई तक जाता है। चलिए इसे हम लोग सावधानी के साथ मूव करते हैं। तो दोस्तों आयरन पॉट बहुत ऊंचाई तक गया था इस बार, मतलब हाइड्रो सुतली बम से बहुत ऊंचाई तक गया है और हमारा आयरन पॉट यहाँ पर गिर गया है और इसकी सुतली यहाँ पर गिर गई है। दोस्तों देखिए इसमें से अभी तक धुआं दिख रहा है, पास से दिखा दीजिए एक बार कैमरा में, देखिए इसमें इसका सुतली यहाँ पर गिर गया है। तो दोस्तों अगर आप सुतली बम बचाए तो मतलब जहाँ पर झोपड़ी रहता है वहाँ पर न बचाए, इसलिए उसमें आग पकड़ लेगा। अब हम लोग जल्द से जल्द ग्रीन सुतली बम से टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इस बार इस आयरन पॉट का क्या हाल होता है। चलिए इससे हम लोग सावधानी के साथ पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इस बार हम लोग ग्रीन सुतली बम से इस आयरन पॉट को उड़ाएंगे और देखेंगे कि इस बार यह कितना ऊंचाई तक जाता है, यह विनर हो पाता है या नहीं हो पाता है। हमारे हिसाब से मतलब जो जितना हम वीडियो बना चुके हैं उसमें ग्रीन सुतली बम विनर है। तो हम लोग इस आयरन पॉट को इसके ऊपर रख लेंगे और इसका हम लोग मैकेनिज्म मतलब सेटअप बढ़िया से फिट कर दिए हैं। देखा दीजिए एक बार पास कैमरा में, देखिए हम लोग सुतली बम को यहाँ बढ़िया से सेटअप इसका कर दिए हैं। अब इस आयरन पॉट को आराम से इस तरफ रख देंगे और हम लोग इसे बैटरी शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि इस बार यह आयरन पॉट कितना ऊंचाई तक जाता है, हम लोग यही देखेंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कड़ी धूप में हम लोग बनाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो बनाने का मेरा तरीका कैसा है और आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए अभी बता दीजिए। चलिए इसे हम लोग सावधानी के साथ बैटरी से शॉर्ट करते हैं। दोस्तों इस बार आयरन पॉट बहुत ऊंचाई तक गया था और ग्रीन सुतली बम हमारा विनर हो गया है। ग्रीन सुतली बम में एक ही मतलब गड़बड़ है, जो इसका सुतली होता है ना यहाँ पर गिर जाता है और इसमें से धुआं फिरने लगता है। आप ग्रीन सुतली बम को जलाएं झोपड़ी के स्थान पर, मतलब जहाँ पर झोपड़ी प्लान है ना वहाँ पर न जलाएं, इसलिए उसके ऊपर गिरेगा तो उसमें आग पकड़ लेगा। और हमारा आयरन पॉट यहाँ पर गिर चुका है, देख लीजिए हम लोग आयरन पॉट यहाँ पर गिर चुका है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए यह भी बताइए। दोस्तों अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।